वृत्तांतरे आमे चर्चा करूथिले। चारिगोटी दल प्रस्तुत करिचंती बानर राज सुग्रीव। जेहेतु दक्षिण दिगकु रावण माता सीतांकु पुष्पक विमानरे नेइ जाई थिबार ऋष्यमुख पर्वतरे एमाने दर्शन करिचंती, तेणु दक्षिण दिगकु गोटे अधिक बलशाली दल पठेइबार व्यवस्था करा जायछि। आउ ए दक्षिण दिगर दलरे वीर जांबवान जी अछंती, हनुमंत जी अछंती, अंगद अछंती, नलनील अछंती, आहुरी आहुरी अनेक अनेक बलशाली बानर आउ भल्लुक माने मिलित होइछंती एही दलरे। सुग्रीव राजंकर आदेश हला, भगवान श्रीरामंकर कार्यकु तुममानंकु जेकोणसी मते परिपूर्ण कराइबाकु पड़िबो। हे मोर बानर गण माने, हे मोर भल्लुक गण माने, आज महाप्रभुंकर कार्य करिवार सौभाग्य आसीचि। ए सौभाग्य सहजरे मिले ना, ए सौभाग्य को आमे नष्ट करिवा नाही, हाथ छोड़ा करिवा नाही। आमको पछे कष्ट होउ, जथेष्ट भूरी भोजन न मिलु, तथापि आमे महाप्रभुंक कार्य को सरल सहज श्रृंखलित भाव रे संपादन करी सीता मातांकर बारता आनी भगवान को पाखरे पहुंचेवा, भगवान श्री रामचंद्र को माता सीतांकर बारता निश्चित रूप से दबा। सबु बानर माने संकल्प करिचंती। सुग्रीव राजंकर आदेश पाई जेतेबेले समस्ते बाहरी जीवाकु बसिचंती दक्षिण दिगकु, समस्तंक पछरे अछंती वीर हनुमंत जी महाराज। भगवान श्री राम गोटिए पत्थर उपरे बसिचंती। हनुमंत जी धीरे 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 आसिले, आउ आंठु माड़ी प्रभुंक पाखरे बसी तांकु प्रणाम कले। गोस्वामी बड़ सुंदर शब्द रे लेखुचंती, पाछे पवन तनय शिरुनावा, पाछे पवन तनय शिरुनावा, पाछे पवन तनय शिरुनावा, पाछे पवन तनय शिरुपावा। ए मोर माँ माने बापा माने, ये सुंदर अपूर्व दृश्य को आपण माने मन मन परिकल्पना करंतु, किडे सुंदर अपूर्व दृश्य। भगवानंकर कार्य करिवा पई जेतेबेले जीव जीव, ए जीव जेतेबेले भगवान को कार्य रे लागिवो, संकल्पटा भगवान को पाद तले करिवा दरकार। हनुमंत जी शिक्षा हमकु दउचंती, प्रभुंकर पाद तले बसी प्रभुंकर पाद को छुई प्रभुंकर ठारु आशीर्वाद भिक्षा करुचंती। आउ केडे सौभाग्य देखंतु त, जेतेबेले भगवान को पाद तले से प्रणाम करुचंती, केडे सुंदर घटना घटुची। पाछे पवन तनय शिरुनावा, पाछे पवन तनय शिरुनावा, जानी काज प्रभु, जानी काज प्रभु, जानी काज प्रभु, जानी काज प्रभु, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, पाछे पवन तनय शिरुनावा, पाछे पवन तनय शिरुनावा। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। जितेबेले जीव भगवत कार्य करिवा पई भगवान को पाद तले संकल्प नब, भगवान मध्य ता उपरे संतुष्ट हो जाई, ताकु निकट को डाकी नेबे, से आहुरी निकटतर कराई नेबे जीव को निजर। रे जीव, तू जदि परमंकर निकट हबा को चाहुचु, ताले परम पुरुष परमात्मांकर पुरुषोत्तमंकर सच्चिदानंदंकर कार्य रे सबुबेले लागीता। भगवान आहुरी निकट को डाकिले, हनुमान आहुरी टिके पाख को पलैले, देह को देह लागला, प्रभु बसी चंती प्रभुंकर आंठू पाखापाखी,
वीर बजरंगी हनुमान सुंदर मुखटी रहिला मुखरे जोड़िए आखी थाए आखी जोड़ी करे से भगवान को चाही रहिले केड़े सुंदर अपूर्व दिव्य दृष्टि महाप्रभु यही महाप्रभु जदि करुणार दृष्टि पकई देवे ताहले सिना आमे तांको कार्य सफल करी फेरिबू नहले आमर बल काई आमर बुद्धि काई आमर शक्ति काई भगवान चाहिले करुणा बोला दृष्टि रे हनुमान जी को चाहिले आउ कौन कले पर सरोहा पानी पर सरोहा पानी पर शीसा सरोहा पानी पर सरोहा पानी लोम कूप गुड़ी का पुलकित तो है गला हनुमंत जी महाराज कर कौन है गला जी जे महाप्रभु आशीर्वाद टिके पाई कल्प कल्प धरी मुनि माने तपस्या करती से महाप्रभु निजर सुंदर पद्म हस्त को हनुमंत जी मथार रखिले आउ धीरे धीरे हनु मथा को आउंसवाक लगिले गोस्वामी किड़े सुंदर शब्द ये प्रयोग कले कले परसी देमी जत्न रे जड़े अन्न जन को भोजन परसी दिए सते जमी हनुमान अंतकरण बार्ता को जाणी प्रभु कार्य तुम्हें सफल कर तुम्हें ही सफल हब तुम बिना के ही सफल हो पारे ना यह निर्देश करने प्रभु निज आशीर्वाद को परसी दौंती हनुमंत जी उपरे आहा हनुमान आखिर धार धार लुह बही जा महाप्रभु को चाह रही निर्मिमेष नयन परसा सीसा शररुह पानी परसा सीसा शररुह पानी प्रभु मुद्रिका दिन निज जन जानी प्रभु मुद्रिका दिन निज जन जानी प्रभु हनुमंत जी धीरे धीरे उठिबा को जिते बेले बाहरी चमती टिके अटकई देले हनुमान रही जाओ हनुमान पुणी बसी गले प्रभु को कार्य तो करिबा को हबो क्षिप्रतार सह करिबा को हबो तीव्रतार सह करिबा को हबो ए स्थान छाड़ी आम को जिबा को पड़िबो प्रभु काहीं की अटकईले प्रभु निजर दक्षिण हस्तर अनामिका अंगुठी धीरे 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 मुद्रिका टिए काढ़िले अपूर्व मुद्रिका माता सीता यही मुद्रिका को प्रेमर निदर्शन स्वरूप महाप्रभु को प्रथम मिलनर राति अर्पण करिथिले भगवान ताकू निजर हृदय सहित संयुक्त होइतिबा अपूर्व तंत्री अनामिका अंगुष्ठी से अनामिका अंगुष्ठी रे परिधान करिछंती प्रियार विच्छेद ज्वाला रे प्रज्वलित होता तंकर हृदय को शांत करने मुद्रिका हवा आउ वार्तावह हब संतक हब ये हनुमंत जी को से सुंदर मुद्रिका दे प्रभु मुद्रिका दिन निज जन जानी ए माँ मैने बापा मैने प्रभु मुदी दे कि असुविधा ना किंतु गोस्वामी शब्द प्रयोग करदे निज जन जानी आहा आम परमात्मा परम पुरुष निज लोक हाँ जी जगत भितर राम कार्य करने मोर जन्म बोली विचार करे आउ थे वाक्य को कौच मन रखु जी जगत भितर राम कार्य करने मोर जन्म यहा विचार करे सी प्रभुंर निज लोक बोली सियावर रामचंद्र भगवान कि पर सीसा सरोह पानी पर सीसा सरोह पानी कर मुद्रिका दिन निज जन जानी कर मुद्रिका दिन निज जन जानी पाछे पवन तनय शिरुनामा पाछे पवन तनय शिरुनामा
पाछे पवन सनय चिरुना पाछे पवन सनय चिरुपावा रामचंद्र भगवान की जय। एमर मामने मोर बापा मने गोस्वामी जींकर रचित श्री श्री श्रीरामचरित मानस को यही रखिदि चल चल टिके जीवा श्री हनुमान चालीसा आड़े। श्री हनुमान चालीसा कौन उल्लेख कले प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि जलधि लंघ गए अचर जनाहि। प्रभु काले जतोले मुद्रिकाटा मोर प्रिय हनुमंत जी को दे देले हनुमंत जी काले मुद्रिकाटा को निज पाटी रे रखी देले। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि मुख को मेले कि ता भीतर थोई देले। अरे 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 ये कौ कथा मुद्रिकाटा धातु द्रव्य धातु रे तयारी हिची आकु कोन किए केबे पाटी रे रखे एटा कोन मुदि रखिबा स्थान दक्षिण दिग को जीवा पई बाहरी चमती हनुमंत इत्यादि आउ प्रभु निज लोक बोली जानी हनुमान को सुंदर मुद्रिका देले राम नाम अंकित मुद्रिका आउ काले हनुमंत जी ताकु तुंडरे रखिले। ना ना मुद्रिका तुंडरे रखा जाए ना सेथिरे जो नाम अंकित हिची राम से नामटी को जी तुंडरे रखिदेला ई सारा जगत सात समुद्र परी विराट हो पारे किंतु मात्र गोटे लंफरे जीव आपको लंघन करी प्रभु कार्य लगि जापर बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माहि 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 जल्दि लंघ गए अचर जनाहि 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 पाछे पवन तनय शिरुनावा पाछे पवन तनय शिरुनावा पाछे पवन तनय शिरुनावा। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हनुमंत जी प्रभुंकर अपूर्व राम नाम को तुंडरे रखिले दल भितर जड़े जितेबले घोषे अन्य माने ही जानती पालिया जड़े नाम घोषुची आउ समस्ते तांको सहित राम नामर पाली करुचंती राम 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 राम
राम राम बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की यात्रा चली दक्षिण दिग को यात्रा चलुला बेले गिरी कानन नद नदी वन प्रदेश समस्त किछि अतिक्रम करी करी चली चंती हनुमान जी जांबवान जी नल नील अंगद इत्यादि हठात बानर मान मन प्रश्न आसला आम सठिक दिगरे जाऊे तो क्यों जीबा जो दिगरे जीबा से दिगटा ठीक अच्छे तो चली चली शरीर को क्लांत बोध है भोजन मध्य लोड़ा जलपान टिके दरकार हनुमंत जी संगे संगे गोटे पहाड़ चूड़ा उपर को उठीगले चारिआड़ नजर पकेले देखिले अनति दूर रे गोटे सुंदर पर्वतर गुंफाटीए गुहाटीए दृश्यमान होउची ता मध्यरु पक्षी माने सुंदर काकली सृष्टि करी कलरव सृष्टि करी उड़ी आसुछंती अर्थात पक्षी माने जदि गुंफा भीतर को जाई उड़ी आसुछंती से गुंफा मध्यरे जलर संधान बा गुंफा पछपटे जलर संधान निश्चित अछि फल मध्य थाईपे पक्षी मैंने फल खाइबाक भल पाती ताले फल जलर संधान से मिलो एमती एक विचार करी हनुमंत जी समस्त दल को आदेश देले निर्देश देले अनुजोग कले अनुरोध कले चल से दिगरे चल राम 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 श्यावर रामचंद्र भगवान की भगवान सुंदर नाम को गाई गाई गुंफा मध्य प्रवेश करी गले देखिले अपूर्व सुंदर दिव्य पुष्करिणी सुंदर पद्मपुष्पमान प्रस्फुटित होती भ्रमर सुंदर गुणगुण नादरे सुंदर गुंजन सृष्टि करी चतुर्दिग को विमोहित करूँगी जड़े अपूर्व तपस्विनी शुभ्र वस्त्र परिहिता दिव्य तेज प्रकट करुवा तपस्विनी से विराजमान होती आसन जितने आसन विराजमान होती देखी हनुमंत इत्यादि मन मध्य प्रसन्न भाव सृष्टि से मैंने जाता पाद तले प्रणाम कले हे माता आमे मैने बहुत दूर रू आसीचु भगवान श्रीरामंकर कार्य सिद्धि आसीचु हे माता आपण जदि कृपा करते आम टे जलपान करतु ये विविध वृक्षर जो सुंदर पक्व अपूर्व फलवान ए वृक्ष को विमंडित करिचंती आमे ताकु भोजन करी पारंतु आपण टिके कृपा कले हला आदेश देले हला हसी हसी साध्वी आदेश देले जाओ जाओ राम कार्य करिवा को आसीछ जल संतुष्ट ही पान कर फल भक्षण कर आउ मु तुमको आशीर्वाद करुची राम कार्य तुमे माने ही सफल करी फेरिबो आउ सुन मु मध्य एई क्षणी संगे संगे भगवान श्रीराम को दर्शन करिया को जाउची से निकटरे अछंती यहाँ ही तो मोर परम सौभाग्य हनुमंत इत्यादि जल फल पान करिवार लागिचंती हठात तपस्विनी जनक कहिले कले आहे तुमर कार्य सफल हबो जे समय बहु लागिजीव सेतिपई मु तुममानकर कार्य को सुगम करि देउची सहज करि देउची तुमे समस्त एठी एकाटी छिडाई आखि बंद कर मु मोर तपबल तुम मान यथार्थ स्थान पहुंचाई देवी बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की बानर मैंने आखि बंद कले आखि बंद कर आखि खोल बेलू आउ गुंफा ना पोखरी ना पदुम फूल ना भर ना फली फल गाही कि साधु स्वयं ना दक्षिण दिगर समुद्र तटरे से मैंने ढाई दक्षिण दिगर दल दक्षिण समुद्र तटरे पहुंची गले दक्षिण समुद्र तटरे समस्त बानर कूल तपस्विनी जनक होती स्वयं प्रभा बानर मान को दक्षिण समुद्र तट को पठाई से चली गले भगवान कर दर्शन करिवा पाई एपटे हनुमंत इत्यादि चतुर्दिग को निज नजर बुलाइले
ଇକି ଅଦ୍ଭୁତ ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବା ବିସ୍ତୃତ ସମୁଦ୍ର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା? ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ? ଅଙ୍ଗଦ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଯୁବରାଜ, ସେ ତ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ହେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମ ଜୀବନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଗଲା ବୋଧେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୋଧେ ଆଉ ଆମେ ସୁବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ଜାମ୍ବବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେଣ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେବ। ହତାଶ ବୋଧ, ନିରାଶ ବୋଧ, ପୁଣି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଜାଗ୍ରତ ଭାବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାବର ଯେଉଁ ଉତ୍ତାଳ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବାନର ଯୁଥର ମନ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ସମୟରେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଗିର୍ଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀଟିଏ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛି, ଆଜି ମୋର କେଡ଼େ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଢେର ଦିନ ହେଲାଣି ମୋତେ ଭୁରି ଭୋଜନ ମିଳିନଥିଲା, ଏତେ ଯୁଥ ଯୁଥ ମର୍କଟ ଭଲ୍ଲୁକ ଆସିଛନ୍ତି, ଓ ଆଜି ପେଟ ଭରି ଖାଇବି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଏଇ ପେଟ ଭରି ଖାଇବାର ଭାବ ନେଇ ନିଜର ଗିର୍ଧ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ବାନରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଛି, ବାନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକମ୍ପ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇଠି ତ ସିଏ ଆମକୁ ଯଦି ଖାଇଦେଲା, ଆମର ତ ଏଇଠି ପିଣ୍ଡରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ତ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି, ହଁ ରାମ 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 ଜଣେ ବାନର ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କହି ଆସିଲା, ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଗିର୍ଧ୍ର ପକ୍ଷୀ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଗିର୍ଧ୍ର ପକ୍ଷୀ ବିରାଟ ପର୍ବତ ଆକାର ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିଲା, ଆମରି ଇଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲା, ନାମ ତାର ଜଟାୟୁ, ନାମ ତାର ଜଟାୟୁ, ନାମ ତାର ଜଟାୟୁ, ରାମ 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 ସମ୍ପତି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଲଥ କିନା ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ି ବସିଗଲେ ବାନରମାନଙ୍କ ମେଳରେ। ଭାୟୁ ଜଟାୟୁର ନାମକୁ ଶୁଣି ଗିର୍ଧ୍ର ରାଜ ସମ୍ପାତି ମନରେ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୋ ଭାଇ ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲା, ତୁମେମାନେ ସେଇ ରାମଙ୍କର ଦୂତ ହେଇ ଆସିଛ, ତୁମେମାନେ ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛ, କୁହ କୁହ ମୋ ଭାଇର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ? କୁହ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ ଜୀବଦଶାରେ ନାହାନ୍ତି, ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେଉଥିବା ରାକ୍ଷସ ରାଜ ରାବଣ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ସେ ବୈକୁଣ୍ଠଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୋକରେ ଡୁବିଗଲେ ସମ୍ପାତି, ଭାଇର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କର୍ମ କଲେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ, ଆଉ ତାପରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବ, ମୋର ଗିର୍ଧ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିପାରୁଛି, ଏହି ସମୁଦ୍ରର ଆରପାରିରେ ଲଙ୍କା ନାମକ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପ ଅଛି, ସେହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାଟିକା ରହିଛି, ନାମ ତାର ଅଶୋକ ବାଟିକା, ସେ ଅଶୋକ ବାଟିକାର ଗୋଟିଏ ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ନାରୀ ଏକୁଟିଆ ବସି କ୍ରନ୍ଦନ ଆଉ ବିଳାପ କରୁଛି, ସମ୍ଭବତଃ ସେଇ ସୀତା ହେଇପାରନ୍ତି, କାରଣ ମୋର ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ତ ଭାରି ତୀବ୍ର, ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି ଦେଖିପାରୁଥିଲି, ଏବେ ବୃଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ଏହି ବାନର ଭାଲୁକ ଦଳ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କରିପାରିବେ? କୃପାଳୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜେ କରେଇ ନିଅନ୍ତି। ଢେର ଦିନ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଦକ୍ଷିଣ ସାଗର ତୀରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଖାଲି ଜଳ ଜଳ ଆଉ ଜଳ ଦେଖି, ଜଳ ଆକାଶର ମିଳନ ସ୍ଥଳକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହତବମ୍ବ, କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ମାତା ସୀତା? କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ପୁଣି ସମ୍ପାତି ବି ମିଳିଗଲେ, ସିଏ ନିଜର ଗିର୍ଧ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି। ସେ କହିଦେଲେ, କ'ଣ କହିଲେ? ଗିରି ତ୍ରିକୁଟ ଉପର ବସ ଲଙ୍କା ଗିରି
त्रिकूट ऊपर बस लंका तहर रावण सहज असंका। श्री राम जय राम जय जय राम। देख 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 मु देखि पारुचि गोटिए सुंदर त्रिकूट पर्वत सुनार कटक लंका द्वीप सेथिरे गोटे नारी कांदुची। ओहो कोटी कांदुची गोटे उपवन भितरे अशोक उपवन अशोक वाटिका गोटे वृक्ष मूलरे नारीटिए बसि क्रंदन करुची। सेई बोदे हेई पारे सीता सीता जाओ जाओ सागर लंघन कर सागर लंघन करी सेई स्थान रे पहुंच तांगर खोज खबर नियो वार्ता नियो सेई आउ अमर हजिला सीता की संपाती सुंदर संवाद देले। हां गिरध्र राज संपातिंक ठारु संवाद पाई बानर माने गोटे सुंदर मीटिंग रो आयोजन कले गोटा बैठक आयोजन हला सेईटी दक्षिण समुद्र तटरे समस्ते बसी चर्चा करने को लगिले आखि पाऊ नहीं एपारी सेपारी पर्यंत आकाश मिसी जाइछि समुद्र सहित किपरी लंफ दबा केही केही कहिले आमे जुब अवस्थारे थिले हुए तो पारी थामतु इबे वृद्ध अवस्था आउ कौन आमे पारिबू आमे आउ कौन लंफ दे पहुँची पारिबू अधा बाट जाए जाइथिबू गली पड़िबू जल जीव मानंकर आहार हेइजिबू आउ केही कहिले आमे जीबू तो हुए तो पहुँची जाई पारिबू से सुनार कटक पर्यंत किंतु आउ फेरिबू नाही कारण आउ सेते बल नथिबो फेरिबा पाई। जंबवान कहुचंती मोर तो ढेर बयस हेगलाणी नहले मु पदे पदे विश्व को प्रदक्षिण करि देउतली पदे पदे दितिनि पाद चली गले मु विश्व को प्रदक्षिण करतुली दितिनि खोजरे आउ एबे बुढ़ा शरीर रे होउ नाही समस्ते मने मने विचार करचुन ताले कोन हबो ताले कोन संपाति जेउ बारता देई गले जे संभवतः से ही सीता ठाकुराणी हो पारती गोटे बार्ता पाई गोटे सूचना पाई कौन आता ठाब करी हम ना जा पहुँची हम ना बार्ता आनी हम ना समय धीरे 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 गड़ी गड़ी जाऊँगी। जांबवान देखिले दलरु अलग है हनुमंत जी गोटे पथर उपर चिंतित हो बसी जांबवान पाखे जा पहुँचले। हनुमंत जी आज्ञा कौन भावुच भावुची ये समुद्र सतरे कौन लंघी हब जो नघई सत जो जन सागर। श्री राम जय राम जय जय राम। करउ सो राम काज माती आगर। श्री राम जय राम जय जय राम। जो नाघई सत जो जन सागर। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कौन तुम्हें भावुच बजरंगी तुम्हें कौन भावुच ये सागर लंघन कार्य तुम्हें करी पारिबो हे मोर माँ माने हे मोर बापा माने जीवन रे प्रत्येक कर्म यही समुद्र लंघिला परी एपटे कार्यर प्रारंभ सेपटे कार्यर परिसमाप्ति परिसमाप्ति रे सफलता मिल पारे विफलता मिल पारे किंतु कार्यर आरंभ रु शेष पर्यंत जीवाक पड़ब चरई बेती चरण नेब मधुबिंदती चल रही जीवाटा जीवन नुहे गति ही जीवन जीवन रे गति दियो जीवन को तीव्र रु तीव्रतर कर जीवन स्थिरता नुहे गोटे जगार पथर खोल पानी पुलाए स्थिर ही रहीगला पचीज शिवली ही जीवो पीबार योग्य रही किंतु पानी झरी चली थी गतिशील थी आ निर्मल झरणार जल नहीं तेणु जीवन रति किए दिए न कर ईश्वर आम आमे किछि करि पारु ना
ସେଇ ରାମ ଶକ୍ତି ହେଇ ୟା ଭିତରେ ବସନ୍ତି, ସେଇ ରାମ ବୁଦ୍ଧି ହେଇକିରି ୟା ଭିତରେ ବସନ୍ତି, ସେଇ ରାମ ପ୍ରେରଣା ହେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରେଇ ନିଅନ୍ତି। ହନୁମନ୍ତଜୀ ତୁମେ ପୁରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ହେଇକିରି ବସିଛ? ହଁ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦରେ କହିରି ଛପତି ସୁନ ହନୁମାନା, କହିରି ଛପତି ସୁନ ହନୁମାନା, କହିରି ଛପତି ସୁନ ହନୁମାନା, କହିରି ଛପତି ସୁନ ହନୁମାନା, କାଚୁପ ସାଧୀର ହେଉ ବଲବାନା, କାଚୁପ ସାଧୀର ହେଉ ବଲବାନା। ବୋଲି ଶିଆବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ କି ହେ ମୋର ମା ମାନେ, ହେ ମୋର ବାପା ମାନେ, ରିଛପତି ଅର୍ଥାତ ଭଲ୍ଲୁକ ପତି ଜାମ୍ବବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହନୁମନ୍ତଜୀ ଏମିତି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଲେ ଚଳିବ କି? ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ତୀବ୍ରରୁ ତୀବ୍ରତର କରାଅ, ତୁମେ ପରମ ବଳବାନ। ଦେଖ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯିଏ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସନାତନ ଚେତନା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ କହନ୍ତି ତମର ତ ସବୁ ରାମ ଭରସା, ଆଉ ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ, ଆଉ ଭଗବାନ କ'ଣ ତମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲେଖିବେ, ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ପଦ, ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ରାମ ହିଁ କରିବେ, ଜୀବ ରୂପରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ପ୍ରଭୁ ହିଁ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମେଧାବୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଳବାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ମଧୁପ ଫୁଲରୁ ମହୁକୁ ଶୋଷିବାକୁ ନ ଯାଇ ତା ବସାରେ ରହି ଭାବିବ, ଫୁଲରୁ ମହୁଗୁଡ଼ା ମନକୁ ଆସିକିରି ତା ଫେଣାରେ ରହିଯିବ, ହେଇପାରିବ? ତାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଉଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶୁଣ୍ଢଟାକୁ ଫୁଲରେ ବୁଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଉଦାହରଣରୁ ଶିଖନ୍ତୁ, ଶୁଣ୍ଢଟାକୁ ଫୁଲରେ ବୁଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣ୍ଢଟା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସିରିଞ୍ଜ ପରି, ଆମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ୟାକୁ କହୁ କ୍ୟାପିଲାରିଟି ଥିଓରି। ଏଇ କ୍ୟାପିଲାରିଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଶୁଣ୍ଢ ବୁଡ଼େଇବା କ୍ଷଣି ସେ ଯେଉଁ ମଧୁ ଥାଏ ସ୍ୱତଃ ତାହା ଉପରକୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇ ତା'ର ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିରିଞ୍ଜ ନେଇ ଫୁଲରେ ବୁଡ଼େଇ ଆପଣ 150 ବଳୁଆ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଲେ ମହୁ ଆସିବ? ଆସିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଣ୍ଢଟି ବୁଡ଼େଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଜୀବର କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲରୁ ମହୁଟି ଆପେ ତା ଗର୍ଭକୁ ଆସିବା, ଇଏ ହେଇଗଲା ରାମଙ୍କ କୃପା। ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କୃପା ବା ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ। 18 ଘଣ୍ଟା, 14 ଘଣ୍ଟା, 16 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ପିଲାଟା ମାଟ୍ରିକରେ ଟପର ହେବ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ଦୈବାତ ଟପର ନ ହେଇପାରିଲା, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ତିନୋଟି ନମ୍ବର ଏପଟ ସେପଟ ରଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବ। IAS ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ଥରେ ବିଫଳ ହେଇପାରେ, ଦ୍ୱିଥର ହେଇପାରେ, ତୃତୀୟ ଥର ବେଳକୁ ସଫଳ ହେଇଯାଇଥିବ। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ନକରି, ପାଠ ନ ପଢ଼ି ଜଣେ ଛାତ୍ର କେବେ ହେଲେ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାୟା ଚଢ଼େଇଟା ଖଜୁରୀ ପତରକୁ ସରୁ ସରୁ କରି ଚିରି ଆଣି ବୁଣି ବୁଣିକିରି ବସା ତିଆରି କରିଦିଏ। ପରିଶ୍ରମ ନକଲେ କ'ଣ ବାୟା ଚଢ଼େଇର ବସା ହେଇଯିବ? କାଠି କୁଟାକୁ ଗୋଟେଇ ଗୋଟେଇ ଚଢ଼େଇ ଆଣି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ନିଜର ବସା ତିଆରି କରେ, କାଠି କୁଟା ନ ସାଉଁଟିଲେ କ'ଣ ବସା ତିଆରି ହେଇଯିବ? ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବସାକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବ, ବସାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବ, ବର୍ଷାକୁ ସ୍ଥିର କରିବ, ବସାକୁ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ କିଏ କରିବ? ଶ୍ରୀରାମ କରିବେ। ତେଣୁ କହିରି ଛପତି ସୁନ ହନୁମାନା, କହିରି ଛପତି ସୁନ ହନୁମାନା, କାଚୁପ ସାଧୀର ହେଉ ବଲବାନା,
चुप साधुरा बलवाना का चुप साधी रहे बलवाना का चुप श्यावर रामचंद्र भगवान की। अरे चुप ही कौन बसीच हे बलवान हे सामर्थ्यवान उठ जाग्रत हुआ उदिष्ठ उदिष्ठ उदिष्ठ। स्वामी विवेकानंद आम देशर युवक मान को आह्वान देते हे युवक श्रेणी उठ जाग्रत हुआ तुम्हें ये अपूर्व देशर दयाद तुमको अनेक कार्य करने को अच्छी सनातन चेतना बड़ा अपूर्व चेतना अनेक दिनर परीक्षण ये होची फलाफल तेणु या भूल कही ठकी दे हेबना फांकी दे हेबना आम भितर सामर्थ्य अच्छी किंतु निज सामर्थ्य को अनेक समय आम जापे ना से जड़े परामर्शदाता से जड़े मार्गदर्शक से जड़े गुरु से उत्तम पितामाता से उत्तम परिवेशर आवश्यकता अच्छी ये जुटीगले ये मिलीगले ये मिसीगले भाग्य को एमाने प्राप्त हो गले आम भितर अंतर्निहित प्रतिभा को से माने जगत आगरे उपस्थापित करदे पारते सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास आउ अहंकार ये दुटा जाक पखापाखि जिनस खाली मझे टिके पर्दा अच्छे जो मैंने ईश्वर को न मानती से माने कहती आत्मविश्वास ही दृढ़ दृढ़ आत्मविश्वास बल रे जगत रे असाध्य साधन करहब ठीक किए मना कला किंतु आमे से आउ दुई पाहुंड आग को पलैले कौन आत्मविश्वास सहित प्रभु को युक्त करदे आमर तो आत्मविश्वास अच्छी आम एवरेस्टर श्रृंगर शीर्ष देश निश्चित पहुँचबू आउ विश्वास अच्छी मो प्रभु मत सहायता कर जिते दुख कष्ट आसु पीड़ा आसु विपरीत पागर प्रतिकूल स्थिति आसु मो प्रभु मत सहायता कर नहीं से पहुँचाईदेव जड़े फरासी दार्शनिक बड़ सुंदर शब्द कहले धरणीय जड़े ईश्वर को मानुना ताहले से तार निजर सामर्थ्य उपरे भरोसा करी कार्य करिवो आत्मविश्वास बलरे करिवो दृढ़ता बलरे करिवो निज पारिलापण द्वारा करिवो ठीक अछि ताकु किछि दोष दबा नै किंतु जणे सेही आत्मविश्वास सह करूछि दृढ़तार सह करूछि निज आयोजन अनुजाई करूछि ता सहित प्रभु को धरिछि प्रभु बोली जदि केही थाए आउ तांकर जदि बल किछि थाए तले या बल युक्त प्रभु को बल हेगला ताहले सी से लोकटाटु अधिका बलवान हैला कि हैला नहीं निश्चित हैला मने रखंतु भागवत कौन कहिले मुकं करतिबा चाळंग पंगुम लंघयते गिरिम जत कृपा अर्थात खाली शारीरिक बल यथेष्ट नुहे मानसिक बल ही दरकार शारीरिक बल को एक्टिवेट करिवा पाई आपण जदि मानसिक स्तर रे दृढ़ न होई पारिबे यस आई कैन बढ़िया मंत्र एही तो राम नाम राम नाम आउ कौन हाँ मु पारिबी हाँ मु पारिबी मो राम अच्छा मु कहीं न पारिबी तेणु से हनुमान चरित्र सहित ये सुंदर प्रसंग को जोड़ा जाए जे हनु तुम्हें तुम सामर्थ्य को पासरी जीव जो दिन राम साक्षात करिवे जो दिन राम कर कार्यर आवश्यकता पड़िबो से दिन तुम्हें तुम बल को फेरी पाइब आ बल कौन पैकेट होता किए नहीं जाता फेरे आनी चकलेट करदेले ना मानसिक शक्ति मानस पटल रे पर्दा पकई दिया जाई थिला तुम्हें पारिबो ना वर्तमान से पटल को उठे दिया गला तुम्हें पारिबो राम अछंती तुम्हें पारिबो बस तेणु ऋषपति जांबवान से सुंदर मार्गदर्शक पृष्ठपोषक से गुरु परामर्शदाता जी कहिले तुम्हें बलवान तुम्हें सामर्थ्यवान तुम्हें ही पारिबो ए मोर माँ मैंने बापा मैंने यू शब्द मुझे आपण मान पाखे मुना ये हूँ आम सनातन चेतनार सुंदर बाणी आपको निजे शुण निजे बुझ निज पान पड़ापड़ोशी को बंधु कुटुंब को जो मैंने आज कार्य कर सुफल पाई हताश हो जाती प्रसंगटी निश्चित शुणाओ रामायण रे प्रसंग को बारंबार पढ़ाओ से जीवन में केवे हारे ना
कहूरी छपति सुन हनुमान गायरी छपति सुन हनुमान कछुप साधीर हेउ बलवान कछुप साधीर हेउ बलवान पवन तनय बल पवन समान पवन तनय बल पवन समान बुद्धि विवेक विज्ञान निधान बुद्धि विवेक विज्ञान निधान बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की ए दुईटी अपूर्व दिव्य चौपाई आपण गोटे सुंदर कागजरे लिखि आपणकर पिलामानंकु परामर्श रूपरे दे पारिबे सुंदर डोज ये हताश मन पई सुंदर औषध महौषधि हनुमान बुद्धि बुद्धि को गाइड करिवा पई विवेक हैं आउ विवेक को परिचालित करिवा पई विज्ञान आमे बर्तमान विज्ञान देखे होची विज्ञान को आपण ही नहीं विज्ञान ने जदि आम प्रकृत निज को मिसई दबा ईश्वर को आम छाड़ी परिवा नहीं कारण विज्ञान मूल आधार होची ईश्वर विश्वास किए देची ए फूलटा को नाली रंग ए फूलटा को नीली रंग से किए जनक तो ईश्वर से अनसीन फोर्स अदृश्य शक्ति तेणु जाम्बवान कहिले बुद्धि विवेक आउ वैज्ञानिक तत्व रे खाली बुद्धि विवेक उड़ाक आजिकल आम के प्रयोग करुचे ना गालु करने सत को मिछ बोली देखेवाई बाहर कहूँ करुची सत एक प्रमाण करने आम विज्ञान को आनी थौचे आम विशेष ज्ञान को से प्रयोग कर नष्ट करुचे जन भल कथाटे कहि कि मोपी कार्य लगे तेणु से मंद बोली प्रमाणित करने को मो बुद्धि प्रयोग कर मंद बोली प्रमाणित करदे कहले हनुमान तुम्हें केते बलशाली तुम्हें जानी तुम्हें पवन तनय तुम्हें पवन पुत्र बाप से बेटा ज्यादा तुम बापा पवन तांकर सांग हेले टीम टोटाल हूँ 49 49 पवन से बहिबे 99 मसीहा बात्या तो देखीच समुद्र उठी आसिकरी 40 किलोमीटर पर्यंत माड़ जीव हाँ किछि रखियोनि आ तमे तांको पुओ तमर केते बल पुनी खाली बल हेतिले ता ध्वंसकारी हेतांता तुमे बुद्धिया विवेकी आउ विज्ञान तर्क सम्मत काई चुबे बसिच ए कार्य आउ केही पारंतु कि न पारंतु तमे अवश्य पारिव उठ 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 जाग्रत हुओ जाम्बवान कहउचंदी हनुमान तुमे ही पारिव तुमे ही पारिव तुमे ही पारिव कबन सो काज कठिन जग माही कबन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई ता त तुम पाही जो नहीं होई ता त तुम पाही बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हे तात हे पुत्र हे हनुमान तुम द्वारा कौ कार्य नई पार तुम्हें पवन पुत्र तुम्हें अत्यंत विवेकी अत्यंत विज्ञानी अत्यंत बुद्धिमान अत्यंत बलशाली हनुमान किंतु एतिकरे चेतिले नाई जीव जे पर्यंत प्रभुजुक्त नई प्रभु शरणागत नई तार कार्य करिवार पूर्णता आसे ना आम भारतीय संस्कृति प्रभु प्रेम रे प्रभु ठारे दृढ़ विश्वास रे निज भाव को पोषण करिछि तेणु गोस्वामी लिखिले जाम्बवान कहिले राम काज लागी तब अवतारा राम काज लागी तब अवतारा रे जीव तू काहीं जन्म हेचु प्रभु कार्य करू प्रभु कार्य करू प्रभु कार्य करू आउ किछि करू नाही
करिकता हरिकता भात लुगा चारिकता खाली करिबा कोन चिंता करुचु भात गंडाई पई खंडे लुगा पई जीवन सारी दोचु हरिकता करुनाउ अरे हरिकता पई तोर जन्म हरिकता पई तोर जन्म हरिकता पई तोर जन्म बारंबार जेतेले चेतेई दिया गला हनुमंत जी राम काज लागी तब अवतारा राम काज लागी तब अवतारा सुनता ही हयउ पर्वतकारा सुनता ही हयउ पर्वतकारा एक कथा को सुनिबा मात्रे प्रचंड तेज आसीगला हनुमंत भितर मोर जन्म होइछि राम कार्य करिबा पई मोर जन्म मोर जीवन को मु सफल करी विराट पर्वत आकार हेम शैलाव देहम हनुमंत जी दंडायमान होगले प्रणिपात कर प्रणिपात कर प्रणिपात कर आज वाणी एठी विश्राम ने समय आदेश देलेनी हे मोर माँ मैने बापा मैने विराट प्रचंड तेजवंत हनुमान आगामी अध्याय कौन करिवे मन दे सुनिबा से पर्यंत अपेक्षा रखिबा दुईबार प्रभुंकर नाम राम 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 रा